नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन बीएससी 199 अंक और निफ्टी 67 पॉइंट पर खुला। इससे पहले मंगलवार को बीएससी 22 अंक ऊपर और निफ्टी 11 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला था। कल दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बीएससी 486 अंक तक और निफ्टी 141 पॉइंट पर ऊपर जाने में कामयाब रहा था। कारोबार के अंत में बीएससी 477 अंक ऊपर 38,528 अंकों पर और निफ्टी 138 पॉइंट ऊपर 11,385 अंकों पर बंद हुआ था। लद्दाख विवाद के बाद भारत में चीन के सामानों का बहिष्कार हो रहा है। लोग चीन के सामान खरीदना बंद कर रहे हैं, लेकिन चीन है कि उसे भारत की ही चीजें पसंद आ रही है। खबर है कि चीन के एक सेंट्रल बैंक ने भारत के निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई ठंडा में निवेश किया है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन के इस केंद्रीय बैंक ने भारत के किसी बैंक में हिस्सा खरीदा हो। आपको बता दें कि इसी बैंक ने मार्च में एचडीएफसी लिमिटेड में निवेश किया था और अपना हिस्सा बढ़ाकर 1% से ज्यादा कर लिया था। SBI ने अपने ATM से निकासी नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत खाते में ज्यादा राशि नहीं होने पर अगर ATM से निकासी फेल हो जाती है तो SBI ग्राहकों को 20 रुपए जुर्माने के साथ GST का भुगतान करना होगा। SBI के मुताबिक 1 जुलाई 2020 से बदले नियमों के तहत ATM से निकासी की सुविधा सीमित कर दी गई है। अब मेट्रो शहरों में रहने वाले SBI के नियमित बचत खाता धारक 1 महीने में ATM से 8 बार ही मुफ्त निकासी कर सकेंगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी के आंकड़े से संबंधित ताजा रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 16 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह तक भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा 9.1% हो गया है, जो पिछले 9 सप्ताह के सबसे ऊपरी स्तर पर है। यह आंकड़ा जुलाई महीने के आंकड़ों से भी अधिक है। CMIE की एक मैनेजिंग रिपोर्ट CMIE के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO महेश व्यास कहते हैं कि ग्रामीण भारत में रोजगार और बेरोजगारी दोनों ही दरों में वृद्धि देखी गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी है। जुलाई के आखिरी सप्ताह में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी 6.34% घटी थी, जिसमें ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिला। मुकेश अंबानी ने अपने रिटेल कारोबार के लिए एक बड़ी डील की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जानकारी दी है कि उसकी सहायक रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने डिजिटल फार्मा मार्केटप्लेस नेडमेट्स के मेजॉरिटी शेयर का अधिग्रहण कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेडमेट्स में 620 करोड़ रुपए का निवेश किया। रिलायंस ने विटालिक हेल्थ और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों में करीब 60% हिस्सेदारी ली है, जिन्हें सामूहिक रूप से नेडमेट्स के रूप में जाना जाता है। रिलायंस ने सहायक कंपनियों त्रिसारा हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, नेडमेट्स मार्केटप्लेस लिमिटेड और धादा फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीदी है। एलन मस्क दुनिया के चौथे सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। सोमवार को टेस्ला के शेयर में 11% की उछाल के बाद एलन मस्क की संपत्ति में इजाफा हुआ है। उनकी कुल संपत्ति में $7 बिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है। मस्क की कुल संपत्ति $84 अरब है। वहीं हाल ही में दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने मुकेश अंबानी की संपत्ति में पिछले 5 दिनों में काफी कमी आई है, जिससे वे दुनिया के टॉप 10 अमीरों में चौथे पायदान से खिसक कर 6ठे पायदान पर पहुंच गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में डीजल और पेट्रोल के दाम कल की तरह ही हैं। हालांकि 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73.56 रुपए प्रति लीटर हो गया था। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का संचालन सरकार के हाथ से अलग करने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए बैंक राष्ट्रीयकरण कानून को समाप्त करने पर जोर दिया, जिसके तहत कार्यकारी को संचालन के अधिकार दिए गए हैं। विश्वनाथन ने कहा है कि निजीकरण एक बड़ा राजनीतिक निर्णय है, यह केवल एक आर्थिक फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बैंकों के लिए एक होल्डिंग कंपनी बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों के लिए एक होल्डिंग कंपनी का ढांचा जरूरी है। विश्वनाथन रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर रहते हुए बैंकिंग नियमों के प्रमुख रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए MSTV के साथ। नमस्कार।